बिहार के नियोजित शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर सीधे पटना से आ रही है। बिहार के नियोजित शिक्षकों के तबादला को लेकर सदन में एक बार फिर से मांग उठी है। कहा गया है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को महिला और दिव्यांग शिक्षकों के साथ पुरुष शिक्षकों को भी ऐच्छिक तबादला हो। सदन में जोरदार रूप से यह बात रखी गई है, सवाल किया गया है। कहा गया है कि पति जहां पर हो उस जगह पर पत्नी को भी जाने का अवसर मिले, यानी कि पति और पत्नी दोनों अगर शिक्षक हैं तो दोनों को एक जगह ऐच्छिक स्थानांतरण कर जाने का मौका दिया जाना चाहिए और दिव्यांग और महिला शिक्षकों के साथ पुरुष शिक्षकों को भी ऐच्छिक तबादला हो। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूँ सुनील बॉबी। हमेशा आपके लिए खबरें लेकर आने का काम करता हूँ। अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करेंगे। चलिए अब खबरों की ओर चलते हैं। देखिए, लंबे अरसे से नियोजित शिक्षकों के द्वारा तबादला स्थानांतरण को लेकर मांग उठता रहा है। शिक्षक संगठनों के द्वारा भी मांग किया जाता रहा है, ज्ञापन भी सौंपे गए। अब सदन में भी यह आवाज़ उठने लगी है। नियमावली 2020 के अनुसार बनाया गया कि बिहार के नियोजित शिक्षकों में महिला शिक्षक और दिव्यांग शिक्षकों को ऐच्छिक स्थानांतरण एक जिले से दूसरे जिला जाने का प्रावधान किया गया, लेकिन पुरुष शिक्षकों के साथ थोड़ा सा अलग किया गया। यानी कह सकते हैं कि पुरुष शिक्षकों को म्यूचुअल ट्रांसफ़र की बात कही गई कि वह म्यूचुअल करें और जहाँ जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं। इसको लेकर पुरुष शिक्षकों में एक निराशा बनी और सरकार विभाग के प्रति गुस्सा भी देखने के लिए मिल रहा है। मांग उठने लगी कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों के साथ पुरुष शिक्षकों के पास में भी समस्या है। अपने गृह जिला से छोड़कर कई किलोमीटर दूर दूसरे जिले में स्कूलों में पदस्थापित हैं। उनके द्वारा भी कहा जाने लगा कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, परिवार हैं, पारिवारिक स्थितियाँ हैं, इस मद्देनज़र पुरुष शिक्षकों को भी ऐच्छिक स्थानांतरण हो। शिक्षा मंत्री का बीच में बयान आया था कि इस पर भी सरकार सोच रही है, विभाग सोच रही है। जैसे ही महिला और दिव्यांग शिक्षकों का स्थानांतरण हो जाएगा तो पुरुष शिक्षकों के बारे में भी एक खाका तैयार किया जाएगा और उनका ट्रांसफ़र जो है, तबादला जो है, स्थानांतरण जो है किया जाएगा। लेकिन बीते दिन सदन में यह बात उठी, हम वीडियो भी दिखाएंगे कि सदन में क्या बातें रखी गई है, लेकिन पहले हम अपनी बात कह दें कि ताकि आप पूरी बात को ढंग से समझ लें। तो वहाँ पर यह बात उठी कि समस्या शिक्षकों के पास में है, नियोजित शिक्षकों के पास में है, वह तबादला ऐच्छिक तबादला चाहते हैं। सरकार भी मान रही है, विभाग भी मान रही है, लेकिन यहाँ पर नियमावली 2020 में बनाया गया, नई सेवा सत्र में दिया गया कि पुरुष और महिला और दिव्यांग शिक्षकों का ही तबादला होगा। पुरुष शिक्षकों का तबादला म्यूचुअल रूप से आपसी सहमति मिलकर एक जगह से दूसरे जगह आने जाने की बात बनाई गई, जिस पर पुरुष शिक्षक नाखुश हो गए। इसी को लेकर आवाज़ सदन में उठी बीते दिन कि वैसे शिक्षक या शिक्षिका जो पति और पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो चाहे तो पत्नी को वहाँ जाने का या पति, और दोनों बाहर हैं तो अपने गृह जिला में जाने का उनको अवसर मिले, पति और पत्नी दोनों को। और दिव्यांग नियोजित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष तमाम लोगों को मिले, महिला और दिव्यांग के साथ पुरुष शिक्षकों को भी तबादला का अवसर मिले। यानी कि अब कह सकते हैं कि पुरुष शिक्षकों की आवाज़ अब सरकार तक पहुंचने लगी है, शिक्षा विभाग तक पहुंचने लगी है, जैसा कि शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया था बीते दिन। और बीते दिन सदन में भी यह मांग माननीय सदस्यों को द्वारा उठाया गया कि पुरुष शिक्षकों का भी तबादला हो, इसके लिए सरकार कार्य करे। अब निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि भले ही लेट हो तो महिला शिक्षक और दिव्यांग शिक्षकों के साथ बिहार के पुरुष नियोजित शिक्षकों का भी तबादला होगा। आखिर तबादला कब होगा यह भी प्रश्न उठ रहा है। तो देखिए, शिक्षा मंत्री का बार बार बयान आ रहा है इस पर, यानी कि सरकार और शिक्षा विभाग इस पर सक्रिय है। लेकिन बीच में अड़चन है पंचायत चुनाव, और पंचायत चुनाव ऐसे बोला जा रहा था पहले कि मई में
हो जाएगा आपका ट्रांसफ़र, लेकिन अब जून हम कह सकते हैं, जुलाई भी कह सकते हैं, जून जुलाई कह सकते हैं कि जून जुलाई में अब तबादला संभव पाएगा। कारण जान लीजिए, कारण हम यह कह सकते हैं कि पंचायत चुनाव अब शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट में मामला होने के कारण पंचायत चुनाव का ईवीएम को लेकर वह अब तक अधिसूचना उसकी जारी नहीं हो पाई है। 6 अप्रैल को फिर से इस पर सुनवाई है, फैसला आएगा हाई कोर्ट का और उसके बाद अधिसूचना जारी होगा। तो यानी कि 2 माह का लेट हुआ है। तो आपका मई में कहा गया था कि मई में ट्रांसफ़र हो जाएगा, लेकिन अब हमें भी नहीं लगता है कि मई में ट्रांसफ़र हो पाएगा, जून जुलाई कह सकते हैं, यानी गर्मी की छुट्टियों में तबादला का प्रोसेस शुरू होगा। उसमें भी सॉफ्टवेयर बनाने की बात की जा रही है, अप्लाई किया जाएगा नेट के माध्यम से, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से अप्लाई होगा और उसके बाद अप्लाई के बाद में म्यूचुअल ट्रांसफ़र पुरुष शिक्षकों का पहली दौर में होगा और दूसरे दौर में फिर उसका रिक्तियां बनाकर कहां कितना सीट है, कितना आवेदन गिर रहा है, उसके माध्यम से पुरुष शिक्षकों का भी तबादला संभव हो पाएगा। लेकिन कन्फर्म महिला और दिव्यांग पुस्तकालय अध्यक्ष और नियोजित शिक्षकों का तबादला गर्मी छुट्टी में होगा, मैंने हो सकता है। यह कोई विभाग का नोटिफिकेशन अभी फिलहाल जारी नहीं हुआ है, लेकिन इस पर शिक्षा मंत्री सदन में भी बात उठने लगी है, सरकार की ओर से भी बयान आना शुरू हो गया है। तब कह सकते हैं कि बस कुछ माह, 2-3 माह का ही अब एक कष्ट है, समस्या है, उसको पूरा करते ही विभाग जैसे ही उस पर काम कर लेगी तो वैसे ही पंचायत चुनाव के बाद, पहले ही हम बता चुके कि पंचायत चुनाव बीच में बाधा है, पंचायत चुनाव हो जाने के बाद आपका ट्रांसफ़र हो सकता है। बाधा इसलिए हम कह रहे हैं कि पंचायत चुनाव में शिक्षकों को भी लगाया जाता है, अगर शिक्षकों को इधर सुधर कर दिया जाएगा तो हो सकता है कि चुनाव में कुछ दिक्कत हो। अगर मान लीजिए प्रोसेस भी अगर तबादला को शुरू किया जाता है तो उस स्थिति में भी आधा पर जाकर रुक जाएगा, इसलिए विभाग चाहती है कि नहीं पंचायत चुनाव के बाद ही हम प्रोसेस को शुरू करेंगे। ऐसे तो लग रहा था कि जनवरी माह में ही हो जाएगा, लेकिन विभागीय कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, विभाग के कारण उस पर प्रोसेस नहीं होगा। पंचायत चुनाव ही मुद्दा कह सकते हैं कि सरकार भी सोचती रही, विभाग भी सोचती रही कि अगर हम शुरू करते हैं पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगा तो वहीं पर रोक देना पड़ेगा, क्योंकि जोर शोर रूप से पंचायत चुनाव की तैयारियाँ शुरू हो गई है। तो वीडियो लंबी न हो, मुख्य शब्दों में और वीडियो को भी हम दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सदन में यह बात उठाई गई है, रखी गई है। तो निश्चित तौर पर निश्चित आप रहे कि नियोजित शिक्षकों में महिला और दिव्यांग शिक्षकों का के साथ पुरुष शिक्षकों का भी, पुरुष नियोजित शिक्षकों का भी तबादला होगा, लेकिन इसके लिए अब सरकार जो है, विभाग जो है, अब उस पर काम करना शुरू कर दी है, आवाज़ जोरदार रूप से उठाई गई है। तो निश्चित तौर पर खासकर पति और पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो उनके लिए विभाग कार्य कर रही है। तो इस वीडियो को भी आप देखें और समझें कि क्या है, और मैंने जो बात अंदर से आई है, जो हमें सूचना प्राप्त हुई है, उसको आपके सामने रख दिए हैं कि अब विभाग जो है पुरुष शिक्षकों का भी तबादला करने के मूड में दिखने लगी है। लेकिन इस पर आपके द्वारा मांग उठते रहना चाहिए, आपके संगठनों के द्वारा, शिक्षक संगठनों के द्वारा मांग उठते रहना चाहिए, शिक्षकों के द्वारा मांग उठते रहना चाहिए, तो विभाग क्या है सक्रिय होगा। हम हमेशा आपके आवाज़ बने हैं, आपके तबादले का मांग उठाते रहे हैं। इसी प्रकार से आप कमेंट बॉक्स में हमें बिंदुवार बताने का काम करेंगे, ताकि आपके कमेंट के आधार पर हम वीडियो बनाएं और आपकी आवाज़ बनकर विभाग तक पहुंचे, सरकार तक पहुंचे। तो इस वीडियो को देखिए और समझिए कि क्या कहां तक प्रोसेस पहुँचा है और कब तक आपका तबादला होगा। ऐसे हम करें कि गर्मी छुट्टी में आपके तबादले का प्रोसेस शुरू होगा। फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ और देखिए इस वीडियो को, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करेंगे, अंतिम तक इस वीडियो को सुनेंगे कि सदन में किस प्रकार से बातें उठी है, देखिए इस वीडियो को। प्राप्त सूचना अनुसार राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या 11 नियमावली 1/1/2020 11/10 दिनांक 20/8/2020 से संबंधित शिक्षक सेवा शर्त नियमावली के खंडिका 16(4) में दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष एवं महिला शिक्षिका पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए स्थानांतरण अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित स्तर पर एक बार ऐच्छिक रूप से प्रावधानित किया गया है। साथ ही पुरुष शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्षों के लिए भी एक बार अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित स्तर पर पारस्परिक स्थानांतरण की सुविधा दी गई है। पुरुष शिक्षकों पुस्तकालय अध्यक्षों को भी पारिवारिक परिस्थितियों के आलोक में निर्बाध अध्यापन कार्य हेतु महिला शिक्षिकाओं की भांति ऐच्छिक स्थानांतरण छात्र हित में अति आवश्यक है।
विदित है कि राज्याधीन कार्यरत लोक सेवकों एवं कर्मियों की जो पति पत्नी है उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा देते हुए एक ही स्थान पर पदस्थापित किए जाने का प्रावधान है। अतः पंचायती राज व्यवस्था के तहत नियुक्त कार्यरत पति एवं पत्नी दोनों ही शिक्षक एवं शिक्षिका हैं तो उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण की सुविधा के तहत अंतर नियोजन इकाई अंतर जिला सहित स्तर पर पति को पत्नी के कार्यरत स्थान के समीप जाने की सुविधा और पत्नी को पति के कार्यरत स्थान के समीप जाने की सुविधा प्रावधानित करने हेतु शिक्षक सेवा शर्त नियमावली 2020 के खंडिका 16(4) में संशोधन हेतु सरकार से सदन में एक स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ।